हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इट्स एंड गेम मैनिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के नेक्स्ट को ब्रांडेड पेपर भी जो कि है मनी इन द बैंक, जो कि हुआ 17 जून को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी इन द बैंक में कौन से मैचेस हैं कंफर्म है और कौन कौन से मैचेस के कौन कौन सुपरस्टार विनर हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो मैच है रोंडा राउजी वर्सेस नाया जैक्स के बीच। फ्रेंड्स, ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस मैच में स्टेफनी मैकमैन की थोड़ी इंटरफेरेंस दिखाई दे सकती है और इस मैच के विनर की बात करें तो रोंडा राउजी इस मैच को जीत सकती है। नेक्स्ट मैच है स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियनशिप के लिए कार्मेला वर्सेज आशिका के बीच। तो फ्रेंड्स, कार्मेला ने चार्लेट फ्लेयर से तो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया था, पर आशिका के साथ वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं और किस तरह से अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर सकती हैं देखना इंटरेस्टिंग। अगर इस मैच के विनर की बात करें तो इस मैच के विनर मुझे ऐसा लगता है आशिका इस मैच को जीतती हुई दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा बॉबी लेशली वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। तो फ्रेंड्स, ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर मैं पर्सनली बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मैच मनी इन द बैंक पेपर व्यू हो। मैं तो चाहता था यार ब्रॉक लेसनर से बॉबी लेशली कोई मैच हो और वो उस मैच में यूनिवर्सल चैंपियन हो, पर इस मैच की प्रेडिक्शन की बात तो आप सभी जानते हैं कौन जीतेगा, बॉबी लेशली। नेक्स्ट मैच है जो कि बिग कैश वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच। तो लास्ट स्मैकडाउन में हमने देखा था कि बिग कैश वर्सेस समोआ जो वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच था, जो कि लास्ट क्वालिफाइंग मैच था फॉर द मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग लैडर मैच के लिए। तो उस मैच में समोआ जो जीत चुके हैं, तो ये मैच भी कन्फर्म हो जाएगा जल्दी और इस मैच के विनर की बात कर तो डैनियल ब्रायन जीत सकते हैं। नेक्स्ट मैच जो देखने को मिल सकता है वो की है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अलायंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच। तो फ्रेंड्स, ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट रॉ में हमने देखा कि दोनों सुपरस्टार के बीच थोड़ी फ्यूड हमें दिखाई थी, उसके बाद ये मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इस मैच के विनर की बात करें तो सेथ रॉलिंस आसानी से जीत जाएंगे। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा लुक गैलिस एंड कार्ल एंडरसन वर्सेस द लेजेंड ब्रदर्स फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के। तो इस मैच के विनर की बात करें तो लेजेंड ब्रदर्स इस मैच को जीत जाएंगे। और नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैट हार्डी एंड ब्रे वाइट वर्सेस द बी टीम। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे यार ये मैच तो अभी कंफर्म नहीं हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैच अभी कंफर्म नहीं हुआ, बस जल्द ही ये मैच हमें कंफर्म होता हुआ दिखाई दे जाएगा। इस मैच के विनर की बात करें तो ये मैच के विनर मैट हार्डी एंड ब्रे वाइट होंगे। नेक्स्ट मैच है जो कि होगा WWE चैंपियनशिप के लिए जिसके नाकामुरा वर्सेस एज स्टाइल्स के बीच। तो फ्रेंड्स, ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि एज स्टाइल्स और शिंसुके नाकामुरा इस मैच में शिंसुके नाकामुरा एक स्टेपुलेशन डाल सकते हैं और वो स्टेपुलेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि वो हो सकती है आयरन मैन मैच या फिर वो हो सकता है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो फ्रेंड्स, हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच होगा लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो इस मैच के विनर की बात करें तो एज स्टाइल्स यार आसानी से अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे इस मैच में। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल के बीच। तो फ्रेंड्स, ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने दोनों सुपरस्टार के बीच म्यूचुअल अटैक्स और बहुत बड़ा फ्यूड देखने को मिली रॉ में। देखना होगा कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू में दोनों सुपरस्टार किस तरह के मैच देते हैं और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि WWE की सुपरस्टार को इस मैच में जिताना चाहिए क्योंकि दोनों सुपरस्टार को जो है फैंस की तरफ से मिक्स रिएक्शन मिलता है। अगर इस मैच की विनर की बात करें तो मैं विनर प्रेडिक्ट करूंगा रोमन रेंस को। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा जो कि है वुमेन्स लैडर मैच। इस मैच के विनर यार इस मैच में साशा बैंक्स नैटालिया शार्लेट मरमून एलेक्सा ब्लिस बेकी लिंच नायोमी और बिली के। तो फ्रेंड्स नहीं बिली के नहीं राना फ्रेंड्स, इस मैच के विनर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है एलेक्सा ब्लिस और बेकी लिंच में से कोई एक ये मैच जीता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट मैच होगा जो कि मेंस लैडर मैच। तो फ्रेंड्स, इस मैच की हम बात करें तो इस मैच का विनर प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। कर्ट एंगल से पूछा गया अगर इस मैच के विनर के बारे में तो उन्होंने बताया केविन ओवेंस जीत सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ब्राउन स्ट्रोमैन भी जीत सकते हैं, पर फिर भी मैंने दो सुपरस्टार चुने हैं जो जीत सकते हैं ये मैच और वो है फिन बैलर। तो फ्रेंड्स, फिन बैलर ये मैच जीतना डिजर्विंग करते हैं और दूसरे सुपरस्टार जो मैं मुझे लगता है ये मैच जीत सकते हैं वो हैं द मिस। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सुपरस्टार ये मैच हमें जीतता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थी माय मैच का प्रेडिक्शन फॉर द मनी इन द बैंक 2018। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि जो प्रेडिक्शन मैंने की है क्या वो सही है और आपको क्या लगता है कौन सा सुपरस्टार
ये मनी इन द बैंक में कौन से सुपरस्टार कौन से जीतते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।